अम्मा जी जो हैं मुर्गा लेके फिरती हैं। सास के हाथों मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलाका सियाल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बार वक्त पहुँचता रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल संडे है, हमें छुट्टी होती है, तो फिर जब सारे घर में हों तो फिर मज़े मज़े के खाने बनना भी शुरू हो जाते हैं। तो आज हफ्ते का दिन है तो अम्मा जी ने आज से ही हमारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाना शुरू कर दिए हैं। आज अम्मा ने जी बनाए हैं जी चना चाट, फिर से बना दिया है। तो आज बहुत मज़े का चना चाट बना हुआ है। इसमें खीरे डाले हुए हैं, चने हैं, मिर्चें कटी हुई हैं और टमाटर हैं इसमें। ये अम्मा जी बैठी हैं और ये जी चावल साफ कर रही हैं। हाँ जी अम्मा जी, की करूँ चावलों नु? चावलों नहीं पकाई नहीं है खीर। अच्छा जी, डब्बा एक मंगा दे। अच्छा जी, पकाई नहीं है मिनट ऑफ फैमिली वास्ते। मतलब भाई सवर होरी वास्ते? हां, सवर होरी वास्ते। अच्छा जी, वो बच्चियां कान जो भाई उन्हां दी मां दी कुछ भी खराब जे। अच्छा जी, ते वो आप तो पका नहीं सकदी। हां जी, दीवार दो सलाम करना। ठीक है, वो मैं रोटी छोटी दे उन्हां नु पका देती है। अच्छा जी, बच्चियां वास्ते खीर बनाई दी पई, आप ही खाओ सा ने बच्चियां नु खवाई सा। चलो जी, एदे विच एक डब्बा केड़ा खीर दा पावणा? हां, एक खीर वाला डब्बा आण दे। अच्छा, ते चावल मिक्स करके पकाओ? हां, चावल मिक्स करके ले मोर खीर डब्बे ना जायका चंगा बणदा। चलो जी, मैं लाया ना, तुसी ये साफ कर लो। हाँ जी अम्मा जी, समान आ गया। खीर दा डब्बा, आ गरी, आ कुछ केक लेके आए, छोटे छोटे, वड्डे तो मिले नहीं है। ते आ है जी सोगी। ठीक हो गया? हाँ, ठीक। होर तो कुछ नहीं चाहिए। अम्मा जी जो है मुर्गा लेके फिरती हैं। मुर्गी है या मुर्गा है अम्मा जी? मुर्गा है। अच्छा जी, की करूँ इन? देनी है तेरी भरजाई नो तो सवार दी बीवी नो। अच्छा जी, मेरी कोई तबीयत खराब है जो यख नहीं बनाते खमसी। ए तो अच्छी गल है जी। हां जी, के मोल लिया ने कितने दा लिया ने? ए मोल लिया है 700 तो किलो। अच्छा, 700 दा किलो। चलो जी, ठीक है, दियो जी। हां चलो। हां मैं तेरे कन वो कान दा नो आन कर के। अच्छा, भी बीमार होने का फायदा भी है। मुर्गा आ गया सास के हाथों मिले। ये जी पूछनी मिली है आपको देसी मुर्गे की? नहीं भाई, आजकल के दौर में ना ये भी बहुत बड़ी होती है देसी मुर्गे। पिछले दिनों हम गए थे, हम लोगों के घर जा के कैंपेन चला दी, उन्होंने कहा जी मुर्गे है ही नहीं हमारे पास। ये हम कहाँ से ढूंढ के ले आई हैं ये? अच्छा जी, तो एक दो दफा पहले आंटी ने बताया था कि मेरी वहाँ पे ना रहती हैं मुर्गियाँ ना, उनकी तरफ भी पैसे दिए हुए और रहती हैं, चले मेरे नसीब में आ गई। तो वही बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी शादी में देसी मुर्गे पकाने हैं। नहीं नहीं, मैंने इधर ही रहना है और यहीं भी देसी मुर्गे खाने हैं। बाहर देसी मुर्गे नहीं होते। अच्छा भैया, बना के भी सदाकत खिलाएगा? चले जी, अब तो वैसे भी मैं शेफ बन गया हूँ। हाँ जी, तो इधर बैत सौर भी आ गए हैं। तो आप लोगों के लिए अम्मा जी जो है ना वो पूछनी में गिफ्ट लेके आई है। फिर वो आपने खाने ये वापस करनी है हमें। मुर्गी हमें फिर वापस करनी है सारा कुछ बना के। चावल जो है साफ कर लिए थे और इनको अब बॉयल होने के लिए रख दिया गया है। और मैं एक डब्बा खीर मिक्स का भी लेके आया था बाजार से, तो वो खीर मिक्स और ये चावल जो हैं मिला के इनका खीर बनाएंगे। चावल उबल रहे हैं, यहाँ दैनी है, पानी नाल धो के सफा करके दो पैसा। चावल जो है अम्मा जी ने धो लिए हैं, तो अब इनको पानी में से निकाल लेंगे।
ये देखें जी, चावल जो हैं ये बॉयल हो के इस तरह हो गए हैं, अलग अलग चावल हैं। दूध जो है ताज़ा दूध लेके आए हम लोग और इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तो थोड़ा गर्म हो जाएगा और इसमें बाद में फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चावल और ये जो खीर मिक्स है ये डालेंगे। दूध गर्म हो गया है, खीर वाला पैकेट खोल के चावल डाल रखे हैं ना, ये उबले हुए जो चावल थे वो भी अमर जी जो हैं वो इसमें मिक्स कर रही हैं, तो बहुत मज़े की रेसिपी ये बनेगी इंशाल्लाह। कुछ चावल हमने बचा लिए हैं, शायद ज़्यादा हो गए थे, सारी चीज़ें जो है वो इसमें हमने डाल दी हैं दूध में। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे, दूध खुश्क हो जाएगा और हमारा खीर जो है वो बन जाएगा। हाँ जी, खीर तैयार रखना है, खुश्क हो गया, 5-4 मिनट तक तैयार हो, इसे दला लेंगे। ओए होए, ये तो पटाखे मार रहा है। सही हो गया। ये सुरेश जी अभी से घूम रहा है, अम्मा जी ने इनके लिए बनाया था तो ये इसको पता चला कि अम्मा ने खीर बनाया हुआ है, तो ये अभी से इधर आ गया घूमने। खीर जो है तैयार हो चुका है माशाल्लाह, बहुत मज़े का है और सॉफ्ट भी है माशाल्लाह, बहुत मज़े का होगा और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये खीर मिक्स जो डब्बे वाला इसमें मिक्स किया है और चावल जो हैं इन्होंने कमाल का खीर बनाया है, वैसे माशाल्लाह बहुत मज़े का खीर बना है। अम्मा जी ने प्लेट में सजा दिया है और ऊपर केक भी है वो भी डाल दिया है और सोगी भी डाल दी है, तो इसकी लुक माशाल्लाह बहुत प्यारी है और खाने में बहुत मज़े का है। हाँ जी, सारे लोग आ गए हैं जिनके लिए खीर बनाया था, तो वो खुद ही चल के आ गए, उनको पता चला हमारा खीर इधर बन रहा है। शहरी मजे का है, ये क्या कहता है? ये पता नहीं कोई काट आंदा है। क्या चीज? पता नहीं, कोई समझ नहीं आती, काट। जी तो खीर तैयार हो गई है और लेने वाले लेके चले भी गए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसी तरह की मजे मजे की वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।